और इसके साथ ही एक और घोड़ा खड़ा है जिसे हम महिंद्रा स्कॉर्पियो कहते हैं दोस्तों, ये देख सकते हो। तो दोस्तों कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है ईमानदारी से कमेंट कर बताना दोस्तों। ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो ब्लैक एडिशन और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर दोस्तों। तो दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा आपको पसंद है अभी कमेंट करके बताओ दोस्तों, अभी के अभी कमेंट करके बताओ। नमस्कार दोस्तों, तो आप सबकी डिमांड पर लेकर आ गया हूँ टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर ब्लैक घोड़ा दोस्तों, काले घोड़े का रिव्यू लेकर आ गया हूँ। और कितना प्यारा और कितना शानदार लग रहा है दोस्तों ये काला घोड़ा, आप देख सकते हो यार, ज़बरदस्ती लग रहा है भाई। इसीलिए लाखों लोगों के दिलों पर ये राज करता है दोस्तों, और ये आधी प्राइस में मिलने वाला है आपको। तो सारी डिटेल बताने वाला हूँ कैसे मिलने वाला है, क्या क्या चीज़ें आपको इसमें देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोयोटा का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी फुल्ली ब्लैक में। यहाँ पर आपको अपने LED लैंप्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, फॉग लैंप आपको देखने के लिए मिल जाएगा। भाई साहब ग्राउंड क्लियरेंस चेक करो, भाई साहब ग्राउंड क्लियरेंस, टायर प्रोफाइल, भाई साहब टायर प्रोफाइल तो इसके बहुत ही बड़े टायर आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाले हैं भाई साहब। लगभग 265/160 R18 दोस्तों, 18 इंच के आपको बड़े टायर इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और ये वाला छोटा वाला मिरर यही तो दीवाना कर देता है भाई सबको। ये देख सकते हो भाई साहब, जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, तब आपको पता चलेगा कितना प्यारा लगता है ये। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कितना प्यारा और कितना शानदार लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो फ्रंट से मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ पर आपको टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अपने पास में दोस्तों निंजा भी खड़ी है, कावासाकी निंजा, यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी प्यारी और कितनी प्रीमियम लग रही है। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो ज़बरदस्त और शानदार ब्लैक कलर की टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर दोस्तों, फुल्ली ब्लैक भाई साहब, यहाँ तक की ग्लास भी तो बहुत ही प्यारी और प्रीमियम लगी मुझे। तो एक बार पूरी गाड़ी दिखा देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसा कुछ व्यू रहने वाला है पूरा गाड़ी का दोस्तों। फॉर्च्यूनर, टोयोटा का लोगो, LED लाइट्स। उसके बाद में अब मैं अंदर से दिखाता हूँ आपको, तो अंदर से कुछ ऐसा रहेगा दोस्तों। और यहाँ पर भी आपको फॉर्च्यूनर का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा, और म्यूज़िक सिस्टम वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हो दोस्तों, ज़बरदस्ती लग रही है भाई साहब, ज़बरदस्त और शानदार। यहाँ पर आपको अपना जो मिरर है उसके ऊपर आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ORVM के ऊपर आपको इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। और कितनी प्यारी लग रही है भाई साहब, बहुत ही प्यारी और प्रीमियम गाड़ी है दोस्तों। तो प्राइस वगैरह कितना क्या रहने वाला है, माइलेज कितना रहने वाला है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये अगर आप नई गाड़ी अभी लेने जाओगे तो लगभग ये आपको अभी के टाइम में दोस्तों 68 लेजेंडर जो टॉप एंड मॉडल है दोस्तों, सारे फीचर्स और सारे खर्चे वगैरह निकालने के बाद में आपको लगभग 70 लाख की नई गाड़ी पड़ती है दोस्तों ये गाड़ी। और यहाँ पर आपको इस शोरूम में दोस्तों, यश कार के शोरूम में, ये कितने की पड़ने वाली है वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो टोयोटा फॉर्च्यूनर 4WD 80 दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑटोमेटिक है, 4x4 है। और फ्यूल की बात करूँ तो डीजल के अंदर अवेलेबल है। मॉडल की बात करूँ तो 8 सितंबर 2022 का मॉडल है, 2022 के बाद में 23-24 ओनली 2 साल पुरानी गाड़ी है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में कलर जो रहने वाला है ब्लैक कलर है, फुल्ली ब्लैक दोस्तों। रजिस्ट्रेशन KA03 है, ऑनर जो है सिंगल ऑनर है दोस्तों। किलोमीटर की बात करूँ तो 32,000 किलोमीटर मात्र चली हुई है दोस्तों, 32,000 किलोमीटर मात्र ये गाड़ी चली हुई है। इंश्योरेंस की बात करूँ तो कंप्लीट है इंश्योरेंस, और एक्सपेक्टेड प्राइस दोस्तों 48 लाख में मिलने वाली है, और 48 लाख के अंदर भी नेगोशिएबल है दोस्तों, 48 लाख के अंदर भी आप नेगोशिएट कर सकते हो। और मतलब अगर आपको अगर जचता है तो आप ले सकते हो दोस्तों, और सारी चीज़ें मैंने बता दी। फाइनेंस ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सारी चीज़ें बता दी, फुल्ली ब्लैक डार्क ब्लैक कलर में ये गाड़ी अवेलेबल है, और इसके साथ ही एक और घोड़ा खड़ा है जिसे हम महिंद्रा स्कॉर्पियो कहते हैं दोस्तों, ये देख सकते हो। तो दोस्तों कौन सी गाड़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है ईमानदारी से कमेंट कर बताना दोस्तों। ये है महिंद्रा स्कॉर्पियो ब्लैक एडिशन और ये है टोयोटा फॉर्च्यूनर दोस्तों। तो दोनों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा आपको पसंद है अभी कमेंट करके बताओ दोस्तों, अभी के अभी कमेंट करके बताओ। यहाँ पर है, ये देख सकते हो दोस्तों, तो मात्र
लगभग 48 लाख के अंदर आपको मिलने वाली। तो दोनों में से आपको कौन सी बेस्ट लगी गाड़ी कमेंट करके जरूर बताना, महिंद्रा स्कॉर्पियो या फिर टोयोटा फॉर्चुनर लेजेंडर दोस्तों। तो मतलब आधे दाम के अंदर गाड़ी आपको मिलने वाली है, ठीक है। और गाड़ी की कंडीशन आप देख सकते हो, एकदम नई की नई गाड़ी है दोस्तों, और ज़्यादा चली हुई भी नहीं है। मात्र कितनी चली हुई है यहाँ पर आप देख सकते हो, 32,000 किलोमीटर चली हुई है ओनली फोर, ठीक है। उसके बाद में 48 लाख के अंदर आपको मिलने वाली है, पूरी कंडीशन आप देख सकते हो, और फुल्ली ब्लैक है दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको इसमें डीजल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद में फॉर्चुनर का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आप ये देख सकते हो जाएंगे, फोर व्हील ड्राइव का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक बार मैं आपको गाड़ी अंदर से भी दिखा देता हूँ दोस्तों, तो अंदर से कैसी रहने वाली है। तो अंदर से भी बहुत ही प्यारी और प्रीमियम गाड़ी है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको ऑटोमेटिक आप एडजस्ट कर सकते हो, यहाँ से सीट को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं गाड़ी के अंदर आ गया हूँ, इंजन स्टार्ट ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो पैंडल्स, दो ही पैंडल्स आपको इसमें देखने के लिए मिलने वाले हैं दोस्तों। दो पैंडल क्यों देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि ये जो गाड़ी है दोस्तों ऑटोमेटिक के अंदर है, तो इसीलिए आपको इसमें ओनली दो ही ये देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें देख सकते हो, और यहाँ पर आप इसका ये देख सकते हो दोस्तों, जो स्टेयरिंग है वो भी काफ़ी प्यारा और काफ़ी प्रीमियम मिलने वाला है। और ये ऑटोमेटिक के अंदर है, ये गाड़ी पूरी जो है ऑटोमेटिक के अंदर है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद में JBL का म्यूज़िक सिस्टम आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, टोयोटा का पावरफुल इंजन आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके बाद में इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना सामान रखने के लिए यहाँ पर ये मिल जाएगा दोस्तों, ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अपना आर्म रेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, इंजन स्टार्ट ऑन ऑफ का स्विच यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको अपना ये जो है मिरर देखने के लिए मिल जाएगा, अंदर का मिरर, डे नाइट वाला मिरर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सनवाइजर यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। काफ़ी बढ़िया कंडीशन के अंदर दोस्तों गाड़ी अवेलेबल है, और इसके अंदर भी आपको इसमें मिरर देखने के लिए मिलेगा। और पीछे की आप कंडीशन देख सकते हो दोस्तों, तो प्रॉपर 7 सीटर गाड़ी इसे कह सकते हो, टोयोटा फॉर्चुनर की तरफ से आने वाली ये गाड़ी, टोयोटा की तरफ से 3 और 2 पीछे में, 3, 2, 5 उसके बाद में 6, 7 दोस्तों, 7 लोग आप आराम से इस गाड़ी के अंदर बिठा सकते हो, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। और टोयोटा फॉर्चुनर लेजेंडर तो दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट गाड़ी इसे कह सकते हो आप भाई साहब, फोर व्हील ड्राइव के अंदर है, दो ही पैंडल आपको इसमें देखने के लिए मिल रहे हैं, एक है आपका एक्सीलेटर का और एक है आपका ब्रेक का दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना हैंड ब्रेक देखने के लिए मिल जाएगा, आर्म रेस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, उसके बाद में यहाँ पर आपको अपने तमाम फीचर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, फॉर्चुनर का लोगो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको पकड़ने के लिए ये देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर भी आपको देखो, नीचे पे भी आपको फॉर्चुनर का लोगो देखने के लिए मिलता है दोस्तों। और गाड़ी की जो कंडीशन है, काफ़ी बढ़िया कंडीशन के अंदर ये गाड़ी अवेलेबल है, और काफ़ी प्यारी और काफ़ी प्रीमियम गाड़ी है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो, ऊपर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऊपर से जो इसका टॉप रूफ है वो भी आप देख सकते हो कितना शानदार है, और शार्प एंटीना आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतरीन सा, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको पूरी गाड़ी दिखा दी दोस्तों। तो 48 लाख के अंदर दोस्तों ये ब्लैक घोड़ा दोस्तों, काला घोड़ा आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो ऐसे ही पावरफुल वीडियो देखने के लिए भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को सबके साथ शेयर करें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।